प्यारे शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शशि प्रभा, प्रोफेसर विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग NCERT। आज हम लोग विज्ञान के मूल प्रक्रिया कौशल पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन का विषय है, जो कि प्रयोगों पर आधारित होता है। विज्ञान प्रकृति के अवलोकन की एक विशिष्ट विधि है और तेजी से विस्तार करते हुए ज्ञान का भंडार है। साथ ही विज्ञान ज्ञान के निर्माण की सतत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो विज्ञान कैसे सीखते हैं? कुछ प्रक्रिया कौशल हैं, इन प्रक्रिया कौशल पे हम ध्यान दें। इन प्रक्रिया कौशल में यदि हम निपुणता प्राप्त करें तो विज्ञान की सीखने में हमें सहायता मिलती है। विज्ञान के मूल प्रक्रिया कौशल अवलोकन, संप्रेषण, वर्गीकरण, मापन, निष्कर्ष एवं अनुमान लगाना है। मूलतः ये 6 प्रक्रिया कौशल की बात करते हैं हम लोग। ये आवश्यक नहीं है कि ये जो 6 प्रक्रिया कौशल हैं एक इसी क्रम में हो या कोई विशेष क्रम में हो। ये विज्ञान की जो परिघटना पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार या अपने जो अध्ययन करने की जो विधि है, जो एपरेटस, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये आगे पीछे भी हो सकता है। इसमें से सबसे जो बेसिक है अवलोकन, मतलब कि हम चारों तरफ की चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और उसके बारे में हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी आती है, एक जिज्ञासु हो जाते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों है। तो इसे सीखने सिखाने के लिए शिक्षण अधिगम में हम लोग क्या करें, आइए देखते हैं। देखिए, अवलोकन के लिए ऐसा नहीं है कि केवल हम देख करके ही अवलोकन करते हैं। अवलोकन हम पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों सेंसेस के द्वारा अवलोकन करते हैं। साथ ही कई बार हम कुछ यंत्र का भी उपयोग करते हैं। तो जो अवलोकन करते हैं वह गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है, मतलब क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब परोक्ष या अपरोक्ष। जैसे कि कुछ वस्तुओं की या कुछ घटनाओं की हम जब स्टडी करते हैं तो हमें कुछ इनडायरेक्ट उसके लिए, उस पर डिपेंड करना होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अवलोकन कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए कुछ तो डिवाइसेस, कुछ युक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये स्केल है, तो स्केल तो सभी के पास उपलब्ध होते हैं कि अवलोकन करने के लिए हम देखें इसमें ध्यानपूर्वक इस स्केल की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 12 तक इसमें नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या इंडिकेट करते हैं? और इधर पास पास में ग्रेजुएशन है, इधर दूर दूर में है, तो इसका क्या अर्थ है? कौन सी इकाई में ये ग्रेजुएटेड है, कौन से इकाई में इसमें लाइन बने हुए हैं, इसको बच्चे ध्यान से देखें। ठीक है, ये इंच है, ये सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटा गया है इसको भी देखें। मतलब कि देखने का मतलब, अवलोकन का अर्थ ये नहीं है कि यह स्केल है और अवलोकन हो गया। इसमें ध्यानपूर्वक देखें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर कुछ इसमें डिफरेंस है, कुछ अंतर यहाँ पर दिख रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखें और इस पर चर्चा करें। इसी तरीके से आप देखें, यहाँ पे यह एक कंपास सुई है, चुंबकीय कंपास सुई है। अब इसके हम ध्यानपूर्वक देखें कि ये जो सुई है, मैं इसे घुमा रही हूँ फिर भी ये घूम रही है,
क्यों घूम रही है, एक विशेष दिशा में है क्यों, और यहाँ पर जो अंकन किया हुआ है किनारे में सर्कुलर स्केल में, वृत्ताकार स्केल में, इसका क्या अर्थ है? कहीं पे देखे इसमें ई लिखा है, एस लिखा है, एन लिखा है, इसका क्या अर्थ है? इस पे चर्चा करें। अब इसी तरीके से ये एक साधारण सेल है जिसे हम लोग प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। सेल सेल के एक तरफ इस तरीके की रचना है, दूसरे तरफ इस तरीके की रचना है। अभी हम इसे देखें ध्यानपूर्वक, इसका इसके बारे में कुछ लिखा है, कहाँ पर इसके दो टर्मिनल हैं, कहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, कहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, हम कैसे जानते हैं, इस बारे में चर्चा करें। इसी तरीके से देखिए, हमारे पास एक कमानीदार तुला है, इसका क्या उपयोग है? अब देख रहे हैं कि ठीक है, कमानीदार तुला है, इसका उपयोग क्या है? हम इससे किसी चीज़ का वेट निकालते हैं? तो इसमें ग्रेजुएशन जो है अंकन किया हुआ है, यहाँ पर एक जगह आप देखेंगे एन लिखा है, एक तरफ जी लिखा है, इसका क्या मतलब है? जब इसे खींचते हैं तो ये क्यों खींच जाता है? इसका जो खिंचाव है ये क्या दिखाता है? तो इन सब बातों पे चर्चा करें। और इसमें जो अंक लिखे हुए हैं, मान लिया कि 50 से इसमें 50 से 500 है, क्या सभी स्प्रिंग बैलेंस में यही लिखा होता है? सभी कमानीदार तुला में इतने ही अंकन होते हैं? एक एक जो छोटा भाग है, एक जो छोटा अंकन है, उसका क्या अर्थ है, कितना माप देता है? इन सभी बातों पे चर्चा करना ही अवलोकन का हिस्सा है। अर्थात अवलोकन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम चीज़ों को केवल देख लिया, उसकी विशेषताओं पर भी हम चर्चा करें। अवलोकन का अर्थ है जो जो भी वस्तु, घटना, परिघटना को हम देख रहे हैं, उसे देखने समय ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करें। मतलब कि आप देख रहे हैं आँख से, सुनने की कोशिश कीजिए, सूंघने की कोशिश कीजिए, और छू कर के भी देखें, आवश्यकता हो तो चख कर के भी देखें। किंतु यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है कि शिक्षण अधिगम में शिक्षक को इस बात की बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चों को बिल्कुल इसमें निर्देश दे कि आपकी अनुमति के बिना बच्चे किसी चीज़ को चखे नहीं, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। और देखकर, सुनकर, छूकर हम अवलोकन करते हैं। अभी आपने इन चीज़ों में देखा स्केल, कमानीदार तुला, आपने सेल देखा, आपने कंपास सुई देखा, तो आपने देखा कि इसमें इसकी कुछ विशेषताओं पर भी हम ध्यान देते हैं, और यही अवलोकन है। अवलोकन में कई बार हम क्या करते हैं कि चीज़ों को देखते हैं, साथ साथ सुनते भी हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, अगर कुछ अंतर है तो वो भी देखते हैं। और अवलोकन सभी कौशलों का आधार है, आगे जितने भी कौशल हैं सभी का आधार है। अवलोकन करेंगे तभी तो हम आगे फिर वर्गीकरण सीखेंगे, संप्रेषण करना सीखेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे, और भी आगे के कौशल सीखेंगे। तो अगला कौशल देखिए, संप्रेषण की बात करें, हम कुछ सीखते हैं, कुछ देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने विचारों को साझा करें अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से, अपने आसपास के लोगों से। तो हम कैसे करते हैं? बोलकर करते हैं, लिखकर करते हैं। जब शिक्षण अधिगम में बोलने लिखने के अतिरिक्त हम इस बात पर भी ध्यान दें कि चित्र द्वारा, ग्राफ द्वारा भी हम इसे संप्रेषण करने की आवश्यकता पर बल दें। कुछ टेबुलर फॉर्म हो सकते हैं, कुछ सारणी बना सकते हैं, कुछ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कुछ कंसेप्ट मैप बना सकते हैं, अपनी बातों को कहने का और चित्रों को दिखाने का बहुत सारे तरीका हो सकता है। तो शिक्षक को ये पूरी स्वतंत्रता होती है कि बच्चों को विविध तरीके से अपनी बात को संप्रेषित करना सिखाएं। वर्गीकरण है अगला कौशल। वर्गीकरण करने के लिए हम वस्तु या परिघटना की विशेषता पर ध्यान देते हैं। हम सीखे ही क्यों वर्गीकरण करना?
इस बात पे देखें, वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्या है? जब बहुत सी वस्तुएं होती है, बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं, तो हम इतने सारे वस्तुओं को एक साथ देख करके हमें अध्ययन करने में जो कठिनाई होती है, तो हम उसे आसान बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत ही विस्तृत है और एक एक चीज़ करके हम एक एक करके अध्ययन करना सभी के लिए संभव नहीं है। तो अगर हम उन घटनाओं को, उन वस्तुओं को एक व्यवस्थित तरीके से, एक क्रमिक ढंग से अगर हम अध्ययन करें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। बच्चे अपने आसपास में जो भी उपलब्ध पत्तियां हैं, उनका संकलन इस प्रकार कर सकते हैं, और इन पत्तियों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है। इसके लिए क्या किया जाए? पत्तियों की विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। हम ये सवाल कर सकते हैं, क्या सभी पत्तियाँ एक जैसी हैं? क्या अंतर है? क्या समानताएँ हैं? क्या असमानताएँ हैं? कुछ पत्तियों की कुछ खास विशेषताएँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं? छोटी पत्ती है, बड़ी पत्ती है, किनारे चिकना है, इसका किनारा चिकना है या कटाव है, या फिर उसमें एक ही पत्ती है या संयुक्त पत्ती है, छूने में कैसा है? विभिन्न विशेषताओं के आधार पर बच्चे इसका वर्गीकरण करना सीख सकते हैं। और यदि कक्षा 3-4 है, तो पत्तियों के नाम आप दे सकते हैं, 1-2। अगर पत्तियों के नाम जानते हैं बच्चे, पत्तियों का नाम जानना भी उनके लिए बहुत ही रोचक रहेगा। वर्गीकरण के लिए एक और क्रियाविधि के बारे में हम लोग विचार करें। बच्चे ये जानना चाहते हैं कि किस आधार पर किसी वस्तु को हम चुंबकीय वस्तु बोलते हैं और किसी को अचुंबकीय वस्तु बोलते हैं। तो देखिए, हमने एक चुंबक लिया है और कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं। हमने क्या अनुमान लगाया है? बच्चे क्या अनुमान लगाते हैं? कोई वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है तो वह चुंबकीय वस्तु है, और यदि आकर्षित नहीं होती है तो वह अचुंबकीय वस्तु है। यहाँ देखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, आकर्षित नहीं कर रही है, यह अचुंबकीय हुआ, ये कर रही है आकर्षित, नहीं, ये कर रही है, नहीं। यहाँ देखिए, इसको चुंबक ने आकर्षित कर लिया, यह चुंबकीय वस्तु है। ये देखने में तो लग रहा है लोहे का, लेकिन ये किसी और धातु का बना हुआ है, तो यह अचुंबकीय है, ये चुंबकीय वस्तु है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील या कोई और वस्तु है, लकड़ी है, कॉटन है। तो इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके के क्रियाकलाप यदि कक्षा में किए जाएं, तो बच्चों को विज्ञान पढ़ने में रुचि आती है। और वो वस्तुओं का चयन, किस वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं कि यह चुंबकीय वस्तु है या अचुंबकीय वस्तु है, वो खुद परीक्षण करके देखें। और ये देखा गया है कि कक्षा में इस तरीके की गतिविधि की जाती है तो बच्चे बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इसी गतिविधि को धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करने के लिए, या दी गई वस्तुओं के समूह को धातु और अधातु में वर्गीकरण करने के लिए भी किया जा सकता है। अब आपने देखा कि इस तरीके से वर्गीकरण हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें इसके लिए संप्रेषण करना होगा, लिख करके वस्तु के बारे में सूचना देनी होगी। इसके बारे में भी बच्चे टेबल बना सकते हैं, सारणी चित्र बना सकते हैं। तो आपने देखा कि वर्गीकरण कैसे करते हैं। यदि समानता और असमानता का हमने आपसी संबंध देखा, और वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान दिया, समूह बनाने के लिए हमने कोई आधार बनाया कि चुंबकीय वस्तु है या अचुंबकीय वस्तु है, या आकर्षित होता है या नहीं होता है, और यहाँ पर आवश्यकता थी तो हमने एक उपकरण, हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया, चुंबक का प्रयोग किया, और विभिन्न समानताओं के आधार पर भी बनाया जा सकता है इसे। अब अगला कौशल देखते हैं, मापन। मापन क्या है? किसी भी वस्तु परिघटना के अवलोकन को संख्या एवं किसी इकाई के प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत करना, व्यक्त करना मापन है। अज्ञात राशि को किसी मानक से तुलना करना होता है। और मापन क्यों करते हैं? मापन करने से हमारे अवलोकन में परिशुद्धता आती है, इसकी मात्रा के बारे में पता चलता है,
और अगर हम मानक इकाई का प्रयोग करते हैं तो विज्ञान की भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हम सभी एक दूसरे की बात अगर विज्ञान की भाषा में करते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मानक इकाई का प्रयोग करते हैं, तो मानक जैसे लंबाई को नापने के लिए हम मीटर में मीटर का यूज़ करते हैं, तो शिक्षक इस बात पे ध्यान दें, बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि लंबाई को व्यक्त करने के लिए हम मानक इकाई मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे स्मॉल एम से, छोटा एम से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से समय को व्यक्त करने के लिए हम सेकंड का यूज़ करते हैं, जिसे कि छोटा एस से लिखते हैं। और भी और कौन कौन से मानक इकाइयां हैं, क्या कुछ अमानक इकाइयां भी हैं? जैसे बोलचाल की भाषा में बच्चे बोल देते हैं कि एक हाथ चार अंगुल, ये सब अमानक इकाइयां हैं। तो छोटे बच्चे जो उच्च प्राथमिक स्तर पे होते हैं, तो अगर वो जो लोकल भाषा में, जो स्थानीय भाषा में जो भी अमानक इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए, बाद में हम इन्हें मानक इकाइयों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और कई बार आगे जाकर के हम लोग ये भी अध्ययन करते हैं कि कुछ कुछ तो ऐसी भी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी इकाई की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी कौन सी राशि होती है, कुछ राशि हैं ऐसे, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाकर अध्ययन करते हैं। मापन से आपने देखा था, यदि हम ये बताते हैं कि कोई वस्तु हल्का है, कोई वस्तु हल्की है, कोई वस्तु भारी है, तो कितना भारी है कितना हल्का है हमें तो पता नहीं चल रहा है, कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि हम माप करके, अगर मान लिया इस स्प्रिंग बैलेंस, इस कमानीदार तोला से हम माप करके बोलते हैं कि एक वस्तु का भार 100 ग्राम है, दूसरी वस्तु का भार 300 ग्राम है, तो हमने अपने अवलोकन को बहुत ही परिशुद्धता से व्यक्त किया। और अगर हमने इसका भार लिया तो हमने न्यूटन में लिया। इसी तरीके से जो आपने जो आपका रिजल्ट निकला, जो परिमाण दिया, जो परिमाण निकला, जो परिणाम आपके प्रयोग का निकला, वो दोनों विश्वसनीय है, क्योंकि कोई भी इसे दोहरा करके देख सकते हैं। किसी वस्तु का भार यदि 100 ग्राम है तो कोई भी उसका मापन करे 100 ग्राम ही रहेगा। अगला मूल कौशल है विज्ञान की प्रक्रिया का, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना क्या होता है? निष्कर्ष, अभी आपने देखा हमने किसी भी वस्तु या घटना या परिघटना को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और फिर हम सोचते हैं ये क्या था, अवलोकन किया हमने, आंकड़ों एवं साक्ष्यों को इकट्ठा किया और उनका तर्कपूर्वक आकलन किया और अपने अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर हमने वर्णन किया, अर्थ निकाला, साथ ही साथ उसका तर्कपूर्ण व्याख्या भी प्रस्तुत किया। तो नए और अधिक विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जो होता है वो परिवर्तनशील भी हो सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने इसमें देखा कि दो वस्तुओं का भार निकालने का उदाहरण हमने लिया। अगर हमने उसका भार निकाला कि एक का भार 100 न्यूटन है और दूसरे का भार 300 न्यूटन है, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला? जिसका भार 300 न्यूटन है वो ज़्यादा अधिक भारी है, हमने उसे अपने लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो इसी तरीके से जो पहले की वर्गीकरण वाली क्रियाविधि में हमने देखा कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, कुछ वस्तुएं नहीं होती हैं, तो क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं वो चुंबकीय वस्तु है। तो यहाँ पर हमने निष्कर्ष निकाला। अनुमान लगाना। अनुमान लगाना क्या है? होने वाली परिघटना या घटना के बारे में अपने पूर्व अनुभव, कुछ पैटर्न के आधार पर, कुछ पूर्व अनुभव के आधार पर, कुछ साक्ष्य के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लिया कि आपने एक पौधा लगाया है और पौधे की लंबाई आप प्रतिदिन या एक दिन के बाद आप स्केल से नाप रहे हैं। आपने एक सप्ताह तक पौधे की लंबाई नापी, उसके बाद दो दिन तक आपने, मान लिया आपने नहीं नापी, लेकिन आप अपने पूर्व अनुभव, पूर्व साक्ष्य के आधार पर आप नाप सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, अभी आपने देखा था कि हमने प्लास्टिक
की छोटी सी वस्तु ली थी, यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हुआ था। तो यदि प्लास्टिक की कोई दूसरी वस्तु हो तो आप अनुमान लगाएंगे अपने पूर्व अनुभव, पूर्व अवलोकन के आधार पर कि प्लास्टिक की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। आज हम लोगों ने विज्ञान के मूल प्रक्रिया कौशल पर चर्चा की, जो कि अवलोकन, संप्रेषण, वर्गीकरण, मापन, निष्कर्ष एवं अनुमान लगाना था, निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना था। तो ये मूल प्रक्रिया कौशल क्यों कहा हमने? क्या कोई और भी प्रक्रिया कौशल होते हैं? हाँ, होते हैं। समाकलित प्रक्रिया कौशल और भी होते हैं, जैसे कि प्रयोग करना, परिकल्पना करना, प्रयोग करना, फिर जो हमने निष्कर्ष निकाला उसका सामान्यीकरण करना। तो जितने भी आगे जो कौशल हैं वो इन्हीं मूल प्रक्रिया कौशल पर आधारित हैं, और विज्ञान सीखने के लिए बच्चों को इन प्रक्रिया कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को प्रयासरत रहना चाहिए, तभी विज्ञान का शिक्षण बच्चों को सुलभ लगेगा और बच्चे इसमें रुचि लेंगे।